रेस्पिरेशन आप लोग के हिसाब से ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, और अगर ऑक्सीजन नहीं लिए तो क्या वो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है, और अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं किए तो क्या वो रेस्पिरेशन नहीं है, तो भी वो रेस्पिरेशन। इसी मैं जब ब्रीथिंग लिखा हूँ और रेस्पिरेशन लिखा हूँ इसका मतलब दोनों डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेस्पिरेशन तो आप सब बता रहे हो ब्रीथिंग मैक्सिमम लोग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब हम एयर अंदर लेते हैं अंदर बाहर छोड़ते हैं इसी को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है फिर बोलोगे सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन, नहीं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो रेस्पिरेशन नहीं। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी मेकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, बस एक लाइन में ध्यान रखो एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेल के द्वारा एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, समझ आ रहा है। इसमें कहीं भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं आया, ना ही गैसेस का कोई नाम आया, समझ आया। तो क्यों नहीं आया है देखेंगे, ध्यान से समझना। एक्चुअल में आप लोग ब्रीथिंग और एक्सचेंज को ही समझते हो तो ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है भैया। हम पहले ब्रीथिंग देखने से पहले हम ब्रीथिंग करते क्यों है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते क्यों है, फॉर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग पहले होगा फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा फिर रेस्पिरेशन होगा, समझ आ रहा है। ह्यूमन की बात अगर करो, समझ आ रहा है, ह्यूमन की बात अगर करो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में रेस्पिरेशन के लिए होता है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस रेस्पिरेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन के लिए उपाय है, ठीक है, समझ आया। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने फूड लिया, ध्यान से समझेंगे बेटा, आपने फूड लिया ठीक है, तो आप फूड किसके लिए लेते हो, एनर्जी, किसको चाहिए एनर्जी, बॉडी की, बॉडी में कहाँ चाहिए, सेल्स को चाहिए, मतलब बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और उसी एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम एक्चुअल में लेते हैं इसीलिए ताकि ये बॉडी, ये तीनों चीज़ें फूड ऑक्सीजन एंड वाटर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर एवरी सेल, एवरी सिंगल सेल, एवरी सिंगल लिविंग सेल का रिक्वायरमेंट होता है खाना पानी और ऑक्सीजन, समझ आ रहा बात, ठीक है। चलो तो इसका मतलब है कि भाई यदि ये सेल है तो हर एक सेल को क्या क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए, क्या बोलो, फूड वाटर ऑक्सीजन, ठीक। ये तो हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना, और ये लेते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो कुल मिला करके ये तीनों चीज़ें हम एक सेल के लिए लेते हैं, ये एक सेल, सेल का ये न्यूक्लियस है। अब हर एक सेल के पास ये तीनों चीज़ें, जैसे फूड में मेनली हमको, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया, मेनली फूड से हमको कौन सा ऐसा फूड है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे मेनली बॉडी एनर्जी निकालती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपल शुगर, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर मेनली ग्लूकोज ले रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मेनली ग्लूकोज को यूज करती है, मेनली ग्लूकोज को यूज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज को सेल तक कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है बेटा, एक ही चीज याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस दुनिया में वही सर्वाइव होने के लिए कैपेबल होगा या नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी जो अपने आप को फिट रखेगा हर तरीके से, ठीक है। उसने तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस बताया था अपने कॉन्सेप्ट में, बट इन ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ आज के दौर पर आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, समझ आ रहा है, सारे तरीके से फिट होना पड़ेगा,
तब जा करके आप सर्वाइव कर पाओगे इस कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो डार्विन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने आप को फिट रखो हर तरीके से, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली, हर तरीके से अपने आप को फिट रखो। आप फिट रहोगे, सारे क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ पाओगे, हर एक घंटे के यूटिलाइज कर पाओगे, हर दिन कर पाओगे, हर हफ्ते कर पाओगे, ठीक है, हर टेस्ट दे पाओगे, जिससे कि आप एक साल में नीट के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, हर एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे लोग ये एक साल। चलो, तो ये भैया ये तीनों चीज़ कौन लेके जाता है यहाँ तक? ब्लड। ब्लड रहता है किसमें? ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड है। तो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें ये सारा कंटेंट है। तो ये फूड आपको मिल गया भैया सेल को, वाटर मिल गया सेल को, ऑक्सीजन मिल गया सेल को। तो ये आ गया ग्लूकोज, ठीक, ये आ गया वाटर, ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक। अब ये तीनों चीज़ से ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस ATP इज अ एनर्जी। पर भी हम लोग ऑक्सीजन का कोई रोल है क्या?
रेस्पिरेशन जो नाम है, प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीजन का रोल है बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के कारण ही ये प्रोसेस होगा ऐसा नहीं है, है ना? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो रहा है। तो आप लोगों ने कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लटा होगा, लिखे भी हो गया आप लोग, 3 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर का, ठीक है? तो आप लोगों ने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस ऑक्सीजन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच नॉन यूजेस ऑक्सीजन, समझ आ रहा है? लेकिन कभी ये सोचा है कि भैया ये दोनों चीज़ें होती कहाँ पर, क्यों होती है, है ना? होती कहाँ पर है और क्यों होती है? अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं, ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ अगर आप देख रहे हो ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है, क्लियर है ना? ठीक है, ये दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, ग्लूकोज और एनर्जी, और ये दोनों वर्ड में एक चीज कॉमन क्या है, दोनों वर्ड में एक चीज कॉमन क्या है, रेस्पिरेशन। ये दोनों ही रेस्पिरेशन, ये दोनों ही रेस्पिरेशन, एक में ऑक्सीजन यूज हुआ, एरोबिक नहीं हुआ, एनएरोबिक खत्म कर, बट दोनों ही रेस्पिरेशन है। इसीलिए ऐसा नहीं समझना है ऑक्सीजन लेंगे तो ही रेस्पिरेशन, तो नहीं लेंगे तो भी होगा, क्योंकि ये फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाने के ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो मैंने क्या लिखा है, इट इज एनर्जी मेकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, खत्म। समझ आ रहा था, एक लाइन क्लियर हो रहा है, इट इज एनर्जी मेकिंग प्रोसेस बाय सेल, ठीक? चलो, तो अब अपन देखते हैं कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें अगर आप देखोगे तो एसिड और अल्कोहल है द बाय प्रोडक्ट, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट निकलता है इसमें, ठीक? लेकिन एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा। अब दोनों में से बेस्ट कौन सा है, एरोबिक, क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा बनता है, इसमें 38 एटीपी बनेगा, 36 से 38, तो इसमें सिर्फ 2 एटीपी बनेगा, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, कितने गुना ज्यादा बना, कितने गुना ज्यादा हो गया, डिफरेंस ऐसा नहीं होता बेटा, कितने टाइम्स ज्यादा होगा, 19 टाइम्स, है ना, 18 to 19 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट, मतलब सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 38 एटीपी बन रहे हैं, और वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही एटीपी बन रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर कौन सा हुआ, एरोबिक हुआ, समझ आ रहा है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली सबसे पहले इवॉल्व हुआ अर्थ में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन अवर प्रिमिटिव अर्थ इज रेड्यूसिंग, ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था तो भाई सीधी सी बात है, और बिना ऑक्सीजन के कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या जरूरत महसूस हुई ऑक्सीजन को एज अ रेस्पिरेटरी रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने का, क्यों ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा एनर्जी, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्क होता है एक बॉडी में, तो ज़्यादा वर्क चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। भाई अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या बहुत दौड़ा भागी वाला काम है, तो आपको खाना भी तो ज़्यादा चाहिए, दिन भर बैठे हैं आराम से टीवी के सामने और रील्स देख रहे हैं, है ना, मोबाइल में, तो आपको एनर्जी नहीं चाहिए, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, बेटा कम खा, समझ आ रहा है? तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में एडेप्टेशन, क्लियर है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन
से जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक वर्ड है फर्मेंटेशन, सुने हो है ना, एक वर्ड है फर्मेंटेशन, तो इसी को ही हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन क्यों बोलते हैं, इससे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लाइक एसिड, अल्कोहल, ठीक है, समझ आ रहा है, या उसके अल्कोहल के प्रोडक्ट्स या एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह है ना, अल्कोहल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक, विनेगर, विनेगर भी अल्कोहल के प्रोडक्ट है, बियर, बियर शराब, ठीक है सर। अब इसमें एक और चीज देखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन करते हैं, कुल मिला करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, हमारे बॉडी में कब होता है बेटा, बड़े हो गए आप लोग, जैसे डोंगरगढ़ चढ़ते हैं है ना, सीढ़ी चढ़े उसके बाद मस्त, मैं तो एकदम एनर्जेटिक हूँ, एक बार में चढ़े, ठीक है बेटा चढ़, चढ़ तो लिए, उतर लिए, दूसरे दिन रोबोट क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो, पैर जाम हो गया है, क्या हो गया पैर में, लैक्टिक एसिड का, और कहाँ होता है हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और कहाँ होता है, आरबीसी ऑफ वुमन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन टेंशन कहाँ होता है बॉडी में, कौन से सेल में होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, आरबीसी, तो आरबीसी में बता बेटा लास्ट में, आरबीसी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, होता है कि नहीं, मिठाई सबसे ज्यादा किसके पास होगा, मिठाई वाले के पास, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसके पास होगा, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है, आरबीसी, तो आरबीसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करता है, तब ये तो ऐसा मिठाई वाला हो गया जो अपनी मिठाई को टेस्ट भी नहीं कर पाता है, क्यों सर, डायबिटीज होगा उसको, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि आरबीसी के पास ऑक्सीजन का भंडार है लेकिन वो एक भी ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाता, बोलो बताओ, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअल में यूटिलाइजेशन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर सकता रेस्पिरेशन, इसका ये भी मतलब है कि जो बैक्टीरिया और यीस्ट होता है इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसीलिए वो भी यूज नहीं करता,
समझ आ रहा है? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? रटे होंगे ना हम लोग क्लास टेंथ में, इलेवेंथ में भी, है ना? पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एटीपी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पावर हाउस का मतलब ढेर सारा एनर्जी बनाना, ठीक है? और अगर पावर हाउस नहीं होगा तो ढेर सारा एनर्जी नहीं बनेगा। लेकिन अगर पावर हाउस नहीं है तो क्या एनर्जी बनेगा? हाँ, क्यों? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के तो होता है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन अगर ले भी लिए, एनारोबिक सेल ऑक्सीजन इनटेक कर भी लिए, तो भी उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक्चुअल में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग एनर्जी फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, ठीक है? तो प्लांट रेस्पिरेशन में जब पढ़ोगे तो ऑक्सीजन जो रहता है इज अ अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्चुअल में वाटर एक्सेप्ट करता है, तो उसको वाटर ऑक्सीजन जो रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं लास्ट में एनर्जी बनाने के समय, ठीक है? तो वो सब प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, उसके लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और नहीं होगा तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और ऑक्सीजन जो रहता है वो जूस होकर के क्या बनेगा? नहीं बेटा, ऑक्सीजन से ही होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले। अब ये जो ऑक्सीजन इसमें है या इसमें है? पानी में है। तो ऑक्सीजन जो रहता है वो जो हाइड्रोजन उससे कंबाइन होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है इसी से ही एनर्जी बनता है। तो उसको भाई कोई पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो फ्री हाइड्रोजन भी है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा नहीं, वाटर बनेगा नहीं। तो इसको आप वैसे रेस्पिरेशन में देखोगे डिटेल में, ठीक है? कुल मिलाकर के बेसिकली एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का एक्चुअल यूटिलाइजेशन और एनर्जी प्रोसेस कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। और अगर नहीं होगा तो कितना एटीपी कम बनेगा? 36 एटीपी कम बनेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया होने से 36 एटीपी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 38 बन रहा है और यहाँ सिर्फ 2 बन रहा है। समझ आया? अगर किसी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, अगर ऐसा कर दीजिए बता, तो क्या वो सेल एनर्जी बना पाएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई अ लिविंग ह्यूमन सेल, ठीक है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है बट उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन में इंटेक किया, तो क्या वो एनर्जी बना पाएगा? कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन हो या ना हो, इट इज अ बेसिक प्रोसेस। आप देखेंगे कैसे, इसको हटा। जब भी ग्लूकोज की एंट्री होती है सेल में, तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है इसमें बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, दैट इज पाइरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो एनर्जी होती है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन अगर है तो एनर्जी आती किससे है? ग्लूकोज से या ऑक्सीजन से? सवाल तो आना चाहिए ना। दो चीजें मिल रही हैं, तो ग्लूकोज से एनर्जी आएगी कि ऑक्सीजन से? ऑब्वियसली ग्लूकोज से, नहीं तो हम खाना ही नहीं खाते, हवा और पानी ही खाते हैं। कितना अच्छा होता है हवा और पानी खा के जिंदा, कितना अच्छा होता है, कोई टेंशन ही नहीं। सारा जो दुनियादारी है खाने के लिए तो है, पानी तो भरपूर है दुनिया में, हवा भी भरपूर है, कितना अच्छा है। तो जंगल में रहते सांस लेते हैं, नदी से पानी पीते हैं, मस्त घूमते रहते, जीवन एंजॉय करते हैं जंगल में, बढ़िया आदि मानव नहीं। हाँ, तो
ये जो ग्लूकोज से एनर्जी जो मिलती है ये एक्चुअल में एनर्जी होती क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड जब भी टूटेगा एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है एटीपी के फॉर्म। सिंपल है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहले ये जो ग्लूकोज टूटा इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं होता, तो ग्लूकोज टूटा ना ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो तीन कार्बन का कंपाउंड, तीन कार्बन का बॉन्ड, दोनों बन गया, साथ ही साथ एटीपी, दो एटीपी बना। किससे बना? इसी से बना, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ इससे दो एटीपी बना। ये प्रोसेस दुनिया के हर एक लिविंग सेल में होता है एक्सेप्ट वायरस। क्या बोला मैंने? ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, तो काट दो, तो ग्लूकोज टूटेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा और दो एटीपी निकलेगा। ये दुनिया के हर एक सेल में होता है एक्सेप्ट वायरस, हर एक लिविंग सेल। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग सेल में मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है और साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वो सारे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जो इस प्रोसेस के लिए काफ़ी है। इसीलिए आप बैक्टीरिया ले लो, ईस्ट ले लो, ह्यूमन बॉडी का सेल ले लो, आरबीसी क्यों ना ले लो, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बट साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोसेस के लिए काफ़ी होते हैं और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ लिविंग सेल एक्सेप्ट वायरस। क्लियर? समझ आया? इसी को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो मैं आप इसके आगे ज़्यादा नहीं करूँ, ठीक। ये अपन क्यों बता रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या बनेगा? एनर्जी चेंज, ऑक्सीजन हो ज़्यादा नहीं कम। क्लियर है? समझ आया? अब एक सवाल आ रहा है, ग्लूकोज में जो एनर्जी है जो बॉन्ड के बीच में, ये कहाँ से है? आप जो फूड खाते हो ये किससे मिलता है? मेनली प्लांट से। ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है भैया, ये मेनली किसका प्रोडक्ट है? प्लांट्स का। तो यहाँ पर जो एनर्जी छुपी हुई है एक्चुअली ग्लूकोज के अंदर ही छुपी हुई है, उसी को तोड़ के अपन एनर्जी लेते बनाते हैं। फ्री एनर्जी कहाँ से आया भैया? प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, ये हुआ ना, साथ में ऑक्सीजन भी फ्री से दिया, इसी को तो बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस, यही है ना फोटोसिंथेसिस। तो 6 कार्बन 12 वाटर मिला करके 1 ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस को याद होता है। ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो सनलाइट से, इसीलिए हम बोलते हैं सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी सनलाइट से, सनलाइट की मदद से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि एनर्जी का एक सोर्स है और उसी बॉन्ड को तोड़ के हम अपनी एनर्जी बनाते, पूरी दुनिया वैसे ही चलती है। इसको रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो क्या हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। बोलते हैं ना, जो बोएंगे वही काटेंगे, दुनिया एक सर्कल। प्लांट ने ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया, वापस क्या रिमूव कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो है वो वही है, ठीक है। फिर एक सवाल आता है, सर जो सनलाइट की एनर्जी है प्लांट ने उसको जो ट्रैप किया वो एनर्जी कहाँ गई? हीट के फॉर्म। हमारी बॉडी से जो हीट निकलता है जब एटीपी को तोड़ते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, तो वो हीट के फॉर्म में रिलीज भी होता है। हमारी बॉडी से जो गर्माहट निकलती है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बॉडी से लॉस होता है,
और उसी हीट को हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। समझ आ रहा है? तो सारा चीज रिवर्स चला जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। तो अपन बेसिकली देखिए भाई, रेस्पिरेशन क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्लियर है? तो व्हाट इज ब्रीथिंग, व्हाट इज ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस छोड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो भैया जैसे एयर अंदर लेना है, एयर अंदर लेना है ना, एयर अंदर लेना है बॉडी के और एयर बाहर छोड़ना है बॉडी के, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग करने के लिए जो ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स यूज्ड फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस, दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, हम ब्रीथिंग बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे में क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो क्या है, लंग्स। तो क्या दुनिया में सारे लोगों के पास लंग्स होगा? नहीं होगा। तो सबके पास अलग अलग होगा। तो किसी के पास क्या क्या होगा, जैसे मैं अलग तरीके से लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। तो जैसे लंग्स, लंग्स किसके किसके पास होंगे, एनिमल किंगडम पढ़ लिया हो, मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा, बता बता। एम्फीबिया टू मैमल, ठीक है, एम्फीबिया से एम्फीबिया टू मैमल्स लंग होगा। किसी के पास कुछ और होगा क्या, बताओ इसमें। एम्फीबिया टू मैमल्स बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलती है, बोलो क्या गलती है। और क्या है या नहीं है, वो नहीं है या नहीं है, तो बस समझ आया। तो उसके पास ये भी होगा, वो भी होने तो अच्छी बात है, वो तो सरप्लस चीजें, बट वो है कि नहीं है। चलो फिर उसके बाद गिल्स, गिल्स किसके पास होगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स राइट, प्रॉन, प्रॉन खाया कोई, नहीं खाया, जरूरी नहीं खाना है। और फिशेस एंड एक्वेटिक अदर एनिमल्स, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, हम लोग देखें मलस्का वलस्का इन सब के बाद भी गिल्स होते हैं। ठीक है, देन तीसरा एनिमल किंगडम में हम लोगों ने देखा था आर्थ्रोपोड्स के पास अलग अलग टाइप के, मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, चलो इधर देखो, मेरे इधर देखो, ए भाई पीछे नहीं देख, चल बताओ। हाँ, वो गिल्स किसके पास होगा, किसके पास होगा, हाँ पक्का किंग क्रैब के पास होगा। तो बुक लंग्स किसके पास होगा, किसके पास होगा, नीचे मत देखो भैया किताब का, चलो बताओ, स्कॉर्पियन के पास होगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बता बेटा, नहीं बताओ मतलब सवाल पूछा ही नहीं पहले से, नहीं इंसेक्ट के पास कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, जहां इंसेक्ट देखोगे स्टार लगा लेना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है उसमें। और स्पेशली उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है बहुत। आप बताओ बेटा, वो तो खैर नहीं है इसलिए बच्ची, आप बताओ। आर्थ्रोपोडा अभी हम चल रहे हैं मैमल्स क्वाड्रेटा, पीछे जाओ वर्टिब्रेटा से, पीछे क्वाड्रेटा एनाटोमेटा से पीछे, हाँ मोलस्का, फिर उसके पहले आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, पेज नंबर 64 आ रहा है दिमाग में आ रहा है, अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ क्या है बेटा कि इतना इम्पोर्टेंट है आप लोग को, मैंने पहले ही बताया था कि नींद में भी पूछे ना अगर उठा के, ऐसे उठा के ए जल्दी बता इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो नींद में भी ट्रैक किया बोलना चाहिए आप, समझा, इतना इम्पोर्टेंट है। चलो फिर देखते हैं वोगिल्स, वोगिलांस एंड ट्रैकियल ट्यूब्स। वोकल्स किस में होगा, किंग क्रैब और क्या बोलते हैं लिमुलस, ये क्या होता है लिविंग फॉसिल, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो एनिमल किंगडम, आपको इतना मालूम होना चाहिए। कौन प्रॉन मॉडल था, कौन बोला था जल्दी बताओ, नाम बताओ मेरे क्यों, हाँ इसका क्या है, स्कॉर्पियन स्पाइडर्स, ठीक है चलो इंसेक्ट्स, ठीक है क्लियर है। अब इसको और देखते हैं बेटा, स्किन, स्किन किस में होगा, फ्रॉग, फ्रॉग में और क्या होगा, बक्को फेरेंजियल ऑल्सो, बक्को फेरेंजियल फ्रॉग। फ्रॉग में तीन टाइप का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्रॉग में तीन टाइप का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, एक होता है क्यूटिकुलर, किसमें होगा क्यूटिकल अर्थवॉर्म, ठीक है, तब एनेलिडा में आपको पाया जाएगा, यही सब आता है बेटा एग्जाम में, कुछ ऐसा कुछ बहुत भारी चीज नहीं आता है ना। तब मान के चलो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, ये तो है ही अपने आप में इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक। बुक लंग्स में क्रैप कहाँ रहता है, गिल्स आपको मिलेगा टैडपोल लार्वा में,
टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हेल्थी फॉलोइंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जल्दी लो, अरे ये सबको दिया होगा भैया आपके एनसीआर। क्यूटिकल अलग है, क्यूटेनियस अलग होता है ना। एक और चीज ध्यान रखना, ये क्यूटिकल है और स्किन के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस भी बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज है। क्यूटिकल क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन है ना, एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या क्यूटिकल से जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं और स्किन से जो रेस्पिरेशन है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। चलो हो गया, चलो अब अपन देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के पास इस काम के लिए क्या है भाई, पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स। अगर अपन डायग्राम देखें लंग्स का, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा एक कार्डियक नॉच, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, रेड कलर में बनाएंगे थोड़ा, नहीं दिखता क्या? अच्छा ग्रीन आ गया, मुझे क्या कलर पैटर्न है। ऐसे बनाएंगे हार्ट, इंडियन कौन है, इंडियन। चलो ज्यादा हो गया, कहीं जवाब आएगा सर, हम कोई जाति के नहीं है, हम हिंदुस्तानी। अब देखेंगे बेटा हार्ट, तो ये हार्ट जो रहता है ये टिल्टेड रहता है किधर की तरफ, लेफ्ट लंग की तरफ, है ना, समझ आ रहा बात। तो इसका जो कोन होता है वो राइट लंग की तरफ, और ये मीडिया स्टेनम है, ये बीच वाला हिस्सा। अब इधर देखो, जो लंग है ये ट्रैकिया है, ठीक,
ट्रेकिया, ट्रेकिया को कवर करता है कौन? ढक्कन। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लॉटिस। डाइजेस्टिव सिस्टम में देख सकते हैं। अब ट्रेकिया जो है वो डिवाइडेड होता है किसमें? ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया ऐसा बाइफर्केट होगा, बाइफर्केट होगा और दो ब्रोंकाई बनेगा। ठीक, तो ब्रोंकाई फिर अंदर घुसेगा। ठीक, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर क्वार्टरनरी ब्रोंकाई। मतलब कुल मिलाकर के ब्रोंकाई जो रहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देन उसके बाद क्वार्टरनरी देन उसके बाद और पतले पतले जो ट्यूब्स होते हैं उसमें कन्वर्ट होगा, पतला होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। ठीक, तो ब्रोंकाई जो रहता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये दीदी मतलब ऐसे करता हूँ क्या नसीना पड़ता है। ठीक है, ब्रोंकाई देन ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स देन माइनर ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंकियोस। ठीक है, देन ये जो रहता है वो अल्टीमेटली जाएगा एल्विओलाई। ठीक, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऐसा पता पता होते होते ये एल्विओलाई होते यहाँ पर ऐसा एल्विओलाई। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉइंग करते हैं। जैसे अंगूर का आप लोग जो प्लांट देखे होंगे तो अंगूर के प्लांट में ऐसा एक रूट सिस्टम होता है। ठीक है, देन ये ऐसा उसका स्टेम है। ठीक है, और उसके ऐसे ब्रांचेस होते हैं, मालूम होगा आपको, कभी देखे हो जीवन में अंगूर का? नहीं देखे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेस है बेटा, ये ब्रांचेस है, फिर ये ब्रांच में और भी ब्रांचेस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे फिर ये ब्रांच में आपको ऐसा ब्रांच और मिलेगा, फिर इसमें आपको फिर ऐसा कुछ ऐसा आपको और ब्रांच मिलेगा ये, और ये एक ब्रांच है इसमें ऐसे डंडी रहता है जिसमें और भी छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। फिर ये ब्रांच में ऐसा अंगूर अलग है ऐसा होता है जी ना अंगूर। तो वैसे तो मुझे ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई देन ब्रोंकियो ब्रोंकियो और टर्मिनल जाएगा है ना, ब्रांच होते होते हैं और अल्टीमेटली एल्विओलाई। तो अंगूर है तो वैसे ही टैक्टर है ना, समझ आ रहा है? एक थोड़ा सा इमेज बनता है कैसा टैक्टर होता हो। चलो हटाते हैं इसको, तो अब इसमें अपन देखेंगे जो लंग है बाहर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगा जो इससे चिपका हुआ रहता है। बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ रहता है और उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है। तो डबल प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया, एक आउटर और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसमें स्पेस होता है प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में भरा हुआ रहता है प्लूरल फ्लूइड।
ठीक है, क्यों होता है प्योरल फ्लूड? शॉक है तो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तेजी से सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो आजू बाजू हमारा पूरा क्या थोरेसिक केज है, बोनी स्ट्रक्चर है, टकरा के लंग्स का जो सरफेस है उसका जो एपिथेलियम है वो क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। तो ये जो फ्लूड है उसका मेन काम क्या है, किधर रहेगा? पीछे साइड होगा। तो ये अगर आप छू के देखोगे जैसे रिंग टाइप का लगेगा, छू के देखो, जोर से मत दबाना, फील हो रहा है हार्ड हार्ड, लेकिन ये हल्का सा कंप्रेसिबल भी है। अब ये क्यों होता है? ईसोफेगस में ये चीज़ नहीं होता, क्यों होता है? कोलैप्स होने से बचने के, कंटिन्यूस एयर पाइप को खुला रखने के लिए, कंटिन्यूस खुला रखने के लिए उसको चारों तरफ से कार्डियोजिनस रिंग से सपोर्ट किया जाता है। भाई हम खाना तो कभी कभार खाते हैं, दिन भर खाते रहते हो क्या? बिस्किट चिप्स नहीं खाते, हम खाना जो रहता है एक खाते हैं, लेकिन एयर तो बेटा कंटिन्यूस अंदर बाहर होता रहता है। तो उसको अब ऐसे थोड़ी ना कि अब इसो फेंका जैसे चिपक गया, फिर जो से झटके से सांस लेके फिर वो खोल रहे हैं उसको, फिर अंदर जा रहे हैं, सांस लेके झटके से खोल रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं, यही काम थोड़ी ना करते रहेंगे, हिचकी लेंगे खांसेंगे, खुला रहे अंदर बाहर होते रहे, समझ आ रहा है? लेकिन कोलैप्स ना हो, ठीक। चलो तो ध्यान रखेंगे इनकम्प्लीट रिंग लाइट या सी शेप कार्टिलेज इज प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या रहता है? शेप और इनकम्प्लीट रिंग कार्टिलेज प्रेजेंट, कहां लिख लो, इन ट्रेकिया ब्रोंकाई, कौन कौन सा? ट्रेकिया ब्रोंकाई, और कौन सा ब्रोंकाई? प्राइमरी और टर्मिनल ब्रोंकियल्स। चलो तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई में समझ गए ना, प्राइमरी सेकेंडरी सर initial part of bronchioles, यहाँ रखेंगे पूरा का पूरा terminal bronchioles तक आपको सीशियल कार्टिलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, initial part of bronchioles तक मिलेगा, उसके बाद बस एक ट्यूब रहता है जिसमें हमेशा हवा भरा रहता है, वेंटिलेटेड रहता है, इसीलिए
देन अब क्या देखेंगे बेटा, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस या रेस्पिरेशन। देखो सबसे पहला क्या होगा, अपन डायग्राम के थ्रू जाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा, एयर इंटेक करेंगे, एयर अंदर जाएगा, बोलो ठीक है, अल्टीमेटली कहां तक जाएगा, अरे बाबा अल्टीमेटली कहां तक जाएगा, एल्विओली तक जाएगा, एल्विओली तक जाएगा, ठीक है। एयर आ रहा है, समझ आ रहा था, यहां से मैं बता रहा हूँ, ये एल्विओली है, ये वाला यहाँ से वहां तक जा रहा है, ठीक। तो एयर हम लोगों ने सबसे पहले अंदर लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में इन एंड आउट दोनों आते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट दोनों को मिलाकर के ब्रीथिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रीथ इन सांस अंदर लिए, ब्रीथ आउट सांस बाहर छोड़े, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं बेटा, चले जाते हो दूसरी दुनिया में, नहीं तो लगा बड़े तेरे के लिए कहीं चले गए, नहीं गए थे, नहीं थे, चलो। तो ये एयर अंदर आ गया, है ना। एयर में मेनली हमारा जो काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ आउट, बाहर चला गया ना एयर बेटा। इस एयर में मेनली क्या है, ऑक्सीजन, किस लेने ऑक्सीजन है, इस एयर में मेनली बाहर निकालते हैं, ये जो अंदर लिए बाहर गया, इसी को हमने क्या बोला, ब्रीथिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, अब ये ऑक्सीजन जो आया है ये किसको चाहिए, ब्लड को चाहिए, सेल को चाहिए, तो वहां तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो सेल तक के ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा, तो ब्लड सेल तक तभी पहुंचाएगा ना जब उसके पास आएगा, आएगा तभी तो पहुंचाएगा ना, तो कहां से आएगा, यहां से आएगा, ब्लड वेसल देखेंगे हम लोग, रेड कलर का दिख रहा है क्या, ये ब्लड है ना, ये ब्लड है भाई, ये कैपिलरी है, क्या है, कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या भरा हुआ रहता है, ब्लड। तो यहां पर ये ऑक्सीजन जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ चला गया बेटा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ आया कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन आ गया, अभी ऑक्सीजन जो रहता है ये चला जाएगा, ठीक है।
ब्लड इधर से आया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन दिया और निकलते बना, है ना। कहाँ जाएगा बेटा ये जो तो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? बॉडी के हर एक सेल के पास जाएगा। पहले जाएगा ये हार्ट में। तो ये जो ब्लड वेसल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? इट इज अ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कुल मिलाकर के ये आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है उससे कैपिलरी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, यहाँ डिफ्यूज हो गया ऑक्सीजन यहाँ। तो जो सेकेंड प्रोसेस है क्या हुआ बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके किसके बीच में? एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में हुआ एक्सचेंज, सेकेंड प्रोसेस यही हुआ ना। अभी जो ऑक्सीजन है ये जा रहा है ये, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जा रहा है ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। अब ऐसे नहीं है ना लंग्स के बाहर है ये सारा चीज लंग्स में, तो लंग्स से फिर बाहर निकलेगा। ये कौन सा ब्लड वेसल होगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी। ये सब इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे। पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन की ब्रांच के थ्रू कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट में। अब ये हार्ट क्या करेगा? इसको पंप करेगा, पंप टू डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी। इधर देखो, पंप कर दिया। अब ये जाएगा हर एक सेल के पास। ये क्या है सर? कोऑपरेट। क्या है ये? ये सेल्स है, ठीक है। अब इस सेल में ये क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने पंप कर दिया है बॉडी के हर एक टिश्यू के पास। बोलो, आ गया ऑक्सीजन, चला गया ऑक्सीजन। तुम कुछ दोगे तो वो भी कुछ देगा। दुनिया गिव एंड टेक से चलती है ना। अभी लेना ही है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भैया, जैसे मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूँगा? सर पैसा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा आप मुझे रिजल्ट दो, आप मुझे रिजल्ट दो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ। समझ आ रहा है? यही एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं सर, आप तो हर मैडम, लेकिन सर मैडम तो पैसे के लिए बोलता है। तो भाई, अगर हम आपको अगर शिक्षा दे रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप भी रिटर्न में उनको रिजल्ट अच्छा ला के दो, है ना। समझ आ रहा है बात? ये मैं अपनी बात करूँ, पैसे तो स्टाफ को देते हैं, कर देते हैं मैनेजिंग स्टाफ वाले लोग। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन चला गया सेल को, तो सेल क्या देगा उसको? देगा ना, उसको देगा बेचारा ये लो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया बात? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ जाएगा बेटा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट से जाएगा चलो,
ज्यादा देखो बेटा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जा रहा है कहाँ हार्ट में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांच में चला गया इधर से इधर। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये गया अब इधर चला गया फिर बाहर निकल गया वापिस ऑक्सीजन आया हार्ट में गया मतलब लंग्स से हार्ट में जाएगा पंप हुआ ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे क्या क्या स्टेप्स देखे। तो पहला ब्रीथिंग एयर अंदर लिए बोलो यहाँ तक गया बाहर गया ब्रीथ आउट। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विओली एंड ब्लड। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखो ये क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा बाय ब्लड क्लियर हो रहा है। चौथा अब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है सेल्स के पास। अब यहाँ क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू यही होगा बोलो। देन उसके बाद क्या होगा अब ये जो ऑक्सीजन ये जो सेल है अब ये जो सेल है इसके पास खाली ऑक्सीजन देके निकल जाएगा ऐसा थोड़ी ना ग्लूकोज भी देगा पानी भी देगा है ना। तो अब इसके पास आया ग्लूकोज सबसे पहला जो स्टार्ट किए थे वही कहानी ऑक्सीजन इसके बाद अभी हम लोगों ने डाला है ना। अब इससे क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन। किसके अंदर हो रहा है सेल के अंदर। लास्ट प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर है। करके ही पढ़ना पड़ेगा है ना। चलो